सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को जल्द ही एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा जो तकनीकी रूप से उन्नत, सुरक्षित और नए जमाने के अपराधियों और असामाजिक तत्वों से निपटने में मददगार होगा। नए प्लेटफॉर्म में अपराधों और अपराधियों के बारे में जानकारी होगी। इसे देश भर के पुलिस स्टेशनों और विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो नोडल एजेंसी की भूमिका निभा रही है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पुलिस प्रौद्योगिकी के अधिकार प्राप्त संचालन समूह की एक उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना पर काम की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार और सुरक्षा एजेंसियों के अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। पिछले नवंबर में लखनऊ में आयोजित डीजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिसिंग में भविष्य की तकनीकों को अपनाने के लिए रखा गया था। उस बैठक में गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त पुलिस प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री ने पुलिस से संबंधित घटनाओं के विश्लेषण और एक संस्थागत शिक्षण तंत्र बनाने के लिए केस स्टडी विकसित करने का समर्थन किया था। इसके लिए भारत में पुलिस बलों को लाभ पहुंचाने वाले कंप्यूटर पर आधारित सिस्टम से जुड़ी तकनीकों का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की बैठक में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, एनटीआरओ के अध्यक्ष अनिल धस्माना, सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह और दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना समेत अन्य लोग शामिल थे। केंद्र सरकार के पास पहले से ही सभी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को देश के सभी 16,347 पुलिस थानों में लागू किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इन दिनों देश के 99% पुलिस थानों में 100% प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के पास यौन अपराधियों पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जहां देश में 10.69 लाख से अधिक यौन अपराधियों का विवरण और उनके प्रोफाइल हैं। नए अपराधों की जाँच के लिए वास्तविक समय पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपलब्ध हैं। इन पर नजर रखने के लिए सरकार ने पहले से ही नेट ग्रिड तैयार कर लिया है, जिसमें सभी आवर्जन प्रवेश, निकास, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन, क्रेडिट कार्ड खरीद, दूर संचार व्यक्तिगत करदाताओं, हवाई यात्रियों, ट्रेन यात्रियों के अलावा अन्य से संबंधित डेटा है, ताकि खुफिया जानकारी हासिल की जा सके। पहले चरण में 10 यूजर एजेंसियों को 21 सेवा प्रदाताओं को नेट ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। देश में 10 एजेंसियां जो वास्तविक समय के आधार पर नेट ग्रिड डाटा तक पहुंच सकेंगे, इन एजेंसियों के नाम शामिल हैं: इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी, राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई, वित्तीय खुफिया इकाई एफआईयू, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और खुफिया महानिदेशालय डीजीसीईसी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। शुरू में किसी भी राज्य की एजेंसियों को नेट ग्रिड तक सीधी पहुंच नहीं दी जाएगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।